देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स, ये आपका P1 वेक्टर है, ये P2 वेक्टर है, ठीक है ना। सेम एक्सिस के अलोंग रखे गए हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं, सेम एक्सिस के अलोंग है और दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं, इसको आप आई कैप बोल दो, ठीक है ना। इस डायरेक्शन को क्या बोल दिया, आई कैप बोल दिया। तो आपको दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, इस पी वन और पी टू के बीच का इंट्रैक्शन फोर्स कितना होगा ये निकालना है, ठीक है ना। पी वन पी टू के बीच का इंट्रैक्शन फोर्स कितना होगा ये आपको लिखना है। तो पी वन पी टू का इंट्रैक्शन फोर्स आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या तरीका है, दो तरीके हैं देखो। एक तो ये तो बेसिक हर बुक का मेथड है, तो ये तो जब लग रहा है तब लग रहा है, ठीक है ना। कैसे, क्या मेथड है, इसमें आप इंट्रैक्शन एनर्जी लिख दो और फिर माइनस डी यू बाई डी एक्स निकाल के फोर्स निकाल। ये भी आसान मेथड, बट ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, कैसे हैं वो बताऊंगा, ठीक है। बट जब तक ये लग रहा है, जैसे कि नॉर्मल केसेस में सब जगह लग जाता है, पी वन पी टू रखे हुए, आपको फोर्स का एक तो एक्सप्रेशन रटा हुआ ही होना चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, डायरेक्ट मीन्स में आ चुका है 1-2 साल पहले, ठीक है। ये पी वन पी टू रखे हुए हैं एक्स डिस्टेंस पर, इनकी पहले इंट्रैक्शन एनर्जी लिखो, अभी बताई मैंने, माइनस पी टू, इसकी इंट्रैक्शन एनर्जी किसके फील्ड में है, पी वन के फील्ड में। तो माइनस पी टू वैक्टर डॉट फील्ड ड्यू टू पी वन वैक्टर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। डाइपोल की किसी भी फील्ड में इंट्रैक्शन एनर्जी का उस फील्ड से फार्मूला कितना है, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी वैक्टर डॉट ई वैक्टर, ये फार्मूला। तो माइनस पी टू फील्ड इंटेंसिटी कितना आ गया, 2 KP1 अपॉन x³ cos 0 आ गया, ठीक है ना, 2 KP1 अपॉन x³ cos 0 आ गया। तो ये क्या बन गया आपका, -2 KP1 P2 अपॉन x³ बन गया, ठीक है। इंट्रैक्शन एनर्जी कितनी बन गई, -2 KP1 P2 अपॉन x³ बन गया। तो इसका आप करो, फार्मूला ये है आपका, माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू बताया गया एनर्जी में आपको, ठीक है। ये फोर्स वेक्टर कितना होता है, फोर्स वेक्टर होता है आपका माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू, ये आपका फोर्स वेक्टर होता है, ठीक है ना। फोर्स वेक्टर कितना होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू, माइनस डी यू बाई डी एक्स आई के, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स कर दो, इसका डी यू बाई डी एक्स कितना हो गया, -2 KP1 P2, x³ की जगह कर दिया -3 अपॉन x², ठीक है। तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, बिल्कुल सिंपल। तो आपका कितना निकल के आएगा, 6 KP1 P2 अपॉन x² आ गया। अब नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स है, माइनस आई कैप आ गया ना। तो ये आपकी एक्स डायरेक्शन थी, पॉजिटिव आई कैप, तो माइनस का मतलब है कि दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब भी डाइपोल की डायरेक्शन दोनों की सेम है, एक पी वन वैक्टर इधर है, पी टू वैक्टर इधर है, ठीक है ना, पी वन वैक्टर पी टू वैक्टर, बीच की डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। तो इनका इंट्रैक्शन फोर्स कितना होता है, इंट्रैक्शन फोर्स होता है, एक तो अट्रैक्ट करते हैं, और इंट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है 6 KP1 P2 अपॉन x², ठीक है ना। कितना होता है इंट्रैक्शन फोर्स, 6 KP1 P2 अपॉन x² होता है। यह आपका इंट्रैक्शन फोर्स है डाइपोल का, फार्मूला याद होना चाहिए जबकि दोनों एक ही लाइन पर रखे हुए, अगर ये उल्टा कर दोगे तो रिपल करने लग जाए, ठीक है ना। वैसे भी आप हाँ समझ सकते हैं, माइनस प्लस है, कुछ कह रहे हो बेटा, एक्स सेंटर से है ना, नहीं, फिर वही बात, उस दिन वाली बात, क्या पता इसमें आपका दिख रहा है सर। नहीं, तो दिखने से क्या होता है, दिखने से जो चीज दिखती है होती थोड़ी नहीं। वही मैं पूछ रहा था, भी पूछ हाँ, डाइपोल, डाइपोल तो क्या सेंटर और क्या कुछ, ठीक है ना, एक पॉइंट है इतना सा है, सर। समझो बेटा इस चीज को बहुत जल्दी, ठीक है। तो एक्स कहाँ, अब बता सकते हो एक्स कहाँ से, ये एक्चुअल सिचुएशन, और छुट्टी कर दो, इतना सा डाइपोल, कितनी डिस्टेंस, कहाँ से एक्स है, नहीं बता, ठीक है। बात ही खत्म हो गई जब डाइपोल आ गया, नहीं तो फिर हम ऐसे डाइपोल की तरह क्यों करेंगे इसको, फिर हम ऐसे करेंगे ना, तब फोर्स निकालेंगे, ठीक है। इस माइनस पर इन दोनों के कारण फोर्स निकालो, फिर प्लस पर इन दोनों के कारण फोर्स निकालो, सबको ऐड। जब डाइपोल है तो डाइपोल का नाम ही है कि डिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल, क्लियर है एकदम। सर हाँ ओके बेटा, तो आपका इस तरह से डाइपोल डाइपोल के बीच फोर्स कितना होगा, 6 KP1 P2 अपॉन x4,
ये केस नंबर वन था जब डाइपोल ने अट्रैक्ट किया, कितने फोर्स से किया उसको आपने लिख दिया, 6 KP1 P2 अपॉन X फोर्स से किया।